पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के जो चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं उसमें फोर्थ क्वेश्चन है ये कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं ये बता दूं कि आपके मिसकंसेप्ट जो बने हुए हैं उनको करेक्ट करने के लिए, जहां भी आप नॉलेज की स्तर पर हो उससे आगे जाने के लिए। हमारे पास आज का फोर्थ क्वेश्चन है पंजाबी विच। पहला देखो, तिन्ने भाषावां विच क्वेश्चन हुंदा है, तुसी तिन्ने भाषावां पढ़ के जे समझ एक लैंग्वेज नहीं आती दूसरी च समझ सकते हो। सिख्यार्थी नवी स्थिति विच उसे तरह जवाब दिंदा है जिवें वह अतीत विच जानी पछाणी स्थिति का जवाब दिंदा है। कथन क्लासिकल कंडीशनिंग दे हेठां दित्ते सिद्धांतां विचों किहड़ा सिद्धांत की व्याख्या करता है? उत्तेजक दा सधारणीकरण दा सिद्धांत, नंबर दो उत्तेजक वितकरे दा सिद्धांत, नंबर तीन प्राप्ति दा सिद्धांत, नंबर चार अलोप होण दा सिद्धांत। इंग्लिश में है विच प्रिंसिपल ऑफ पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सप्लेन ए लर्नर लर्न रिएक्शन टू द सिचुएशन ही और शी हैव नेवर एनकाउंटर बिफोर। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट हिंदी में यही क्वेश्चन है हमारे सामने। नंबर वन, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कैसे एक शिक्षार्थी उस स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया सीखता है जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया? ओके, ऑप्शन है हमारे पास उत्तेजना सामान्यकरण का सिद्धांत, दूसरा है उत्तेजक या उत्तेजना भेदभाव का सिद्धांत, नंबर थ्री है अधिग्रहण का सिद्धांत, फोर्थ है विलुप्त होने का सिद्धांत। देखिए आंसर जरूर दीजिए, आंसर दोगे तो एरर पता चलेगी आप सोचते क्या हो। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हर हालत में जरूर मिलेगा। डिफिकल्टी लेवल हाई है, जहां मैंने अल्टरनेटिव कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन उठा रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है आप ऐसे सोचते होगे, वो जितने भी जवाब दे रहे हैं हाँ वैसे ही आ रहे हैं जैसे मैं सोच रहा था। इट मींस आपकी थिंकिंग या रीजनिंग या नॉलेज करेक्शन रिगार्डिंग क्लासिकल कंडीशनिंग को करेक्ट करने की जरूरत है ताकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेटर आंसर या बेस्ट आंसर दे सको। लर्न टू एक्चुअलाइज। डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।